मेरी ये वीडियो सच्ची घटना पे आधारित है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज हम जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, ये एक साल पहले लॉकडाउन में सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। जैसे बाबा का ढाबा, जो बुढ़वा था भोजन बनाता था, वो आज दिल्ली में नहीं वायरल हो गया था, वैसे ही गोवा में एक वृद्ध आदमी था, ठीक है, घर का, तो कोई काम करता होगा ऐसे कुछ फल सब्जी वगैरह बेचने का। तो जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, तो जो वो बाबा थे उनका भी रोजगार बंद हो गया। तो उनकी जो पतोहू थी वो क्या उनको मतलब ताना देने लगी, जबकि वही पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, उसका बेटा घूमता था, उसकी पतोहू जो है ऐश करती थी, मौज करती थी, उसको कोई काम धाम से कोई लेना देना नहीं था। वही जो बेच करके फल सब्जी या जो भी छोटी थोड़ा बहुत रोजगार करके लाता था, उससे पूरा परिवार चलता था। लॉकडाउन में उसका अभी रोजगार बंद हो गया, उठ गया मतलब खत्म हो गया, क्योंकि सबके दुकान बंद हो गए। तो उसकी पतोहू ताना देने लगी, तो ताना देते 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 वो एक दिन ऊब गया, और उसके पास जो पूंजी थी वो भी लोग खा करके खत्म कर दिया लॉकडाउन में, रोजगार था नहीं, तो जो बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ कि वो अपना दिमाग लगाया, वो बुढ़ा जो है अपना दिमाग लगाया, परिवार का जो सबसे बुढ़ा सदस्य था, तो क्या हुआ कि अपने गांव से जहां पे उसका घर था गोवा में, वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक होटल था, उस होटल पे ये बोला कि हम सुबह आकर के प्लेट मांज देंगे, रात का जो भी बचा हुआ बर्तन है सुबह मांज देंगे, आप हमको चाय और दो समय का खाना दे देना। तो एक जगह बात किया, दो जगह बात किया, तीन जगह बात किया, तो गोवा में बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट है, वहां पर विदेशी घूमने आते हैं, तो उसी में किसी को दया आ गई होगी, बूढ़े को रख लिया होगा। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे उसी किसी होटल के किसी मालिक को दया आ गई होगी बूढ़े पे, तो रख लिया। तो वो क्या करता था कि रात का जितना बर्तन होटल का रहता था वो सब धो करके अच्छे से रख देता था, और उसके पास खाली समय हो गया, सीधे खाना खाने आना है दो टाइम, 10 बजे और रात को 8-9 बजे, इतने बजे खाता हो, मतलब कोई टाइम खाने का, और एक समय चाय सुबह का नाश्ते का बस हुआ था केवल चाय के लिए, तो बर्तन धोने के बाद चाय पी लेता था। और भी लोग जो आते थे वहां पे चाय पीने के लिए, अब ये दिमाग लगाना शुरू किया कि इन लोगों को हम अपने साथ कैसे जोड़े। तो बचपन में जो कहानी सुनाई होगी उसकी दादी नानी, या कहीं से सुना होगा या कहीं से पढ़ा होगा, पढ़ने का शौकीन था बुढ़ा, पेपर पढ़ता था, पेपर में कहानियां छपती हैं, किताब कहानियों का लेकर पढ़ता था। तो अब वो क्या किया, जो अच्छी अच्छी कहानियां उसको याद थी, चाय सुबह बर्तन धोने के बाद उस होटल से चाय पीने के बाद, उस कहानी को लोगों को बैठा करके सुनाता था। और मान लीजिए कि अपना उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, सामने मोबाइल खड़ा कर दिया और सामने आसपास होटल की जो कुर्सी रहती थी उस पर बैठा करके कहानी सुनाने लगा लोगों को। तो ऐसे करते करते इतना फेमस हो गया, वीडियो मतलब डालते डालते, कि उस होटल के मालिक का मतलब इनकम बढ़ गया। अब सभी लोग सोचते हैं कि वो कहानी सुनाने वाला बूढ़ा, कहानी सुनाने वाले बाबा कहाँ पर मतलब कहानी सुनाते हैं, वही हम भी चाय पीने चलेंगे। तो जो होटल का मालिक है, बिल्कुल सच्ची घटना है, एकदम हकीकत जो हुआ है वो उसको हम बता रहे हैं। तो होटल के मालिक ने बोला कि आज से आपको बर्तन नहीं धोना है, अब आज आपकी मेहनत से बहुत खुश है, हमारे होटल का इनकम बढ़ गया, आपकी कहानी सुन करके लोग हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं, खाना खाने आते हैं ज्यादा लोग। तो क्या किया कि उनका मतलब बोल दिया कि आप केवल काउंटर संभालो, आ करके देखो सुबह शाम दुकान, कहानी सुनाओ लोगों को, और मतलब देख रहे का काम करो, मुंशी वाला काम। और जो और उसके बाद बोल दिया कि जितने बार चाय पीना हो पी लो, जितने बार भोजन करना हो जब भूख लगे खा लो। तो जब ऐसा बोला
तो वो और अधिक उनको आनंद आने लगा, तो और अधिक अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने लगे और सब अपना काम करने लगे आराम से। और उसके बाद उनको और तनख्वाह भी ज्यादा देने लगा रेस्टोरेंट और जो होटल था उसका मालिक। तो फिर से देखिए, फिर जो पतोहू जो डांट के भगाई थी लॉकडाउन में उस बाबा को, अपने घर के मुखिया को जो वृद्ध आदमी थे, उनको फिर से वो बुलाने के लिए चली आई। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि वो जो पतोहू थी वो फिर से उस बाबा के पीछे जो वृद्ध थे उनका लगी हाथ जोड़ने की, फिर से आप आ जाइए हमसे गलती हो गई। तो बोला कि आज तक तो हमने परिवार का सेवा कर दिया और हम किसी के लिए मतलब पैसा नहीं कमा रहे हैं, और हम जो पैसा कमा रहे हैं केवल अपने लिए कमा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी भर कमा के खिलाया। लॉकडाउन में केवल हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारे पतोहू बोलती थी कि मतलब ताना देने लगे। तो इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है आपको, पैसा ही सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है, है ना। पैसा पास में है, पैसा अगर पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो सारी दिक्कतें आपके सामने ही आके खड़ी हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है, और उस बाबा ने जो दिमाग लगाया, पढ़े लिखे थे तभी तो कहानी सुनाते थे पढ़ करके, तो पढ़ाई लिखाई का उपयोग मतलब लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेगा, ये पढ़ने लिखने से कोई राजा हुआ है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का उपयोग जीवन के अंतिम सांस तक है, ये दूसरा शिक्षा है। पहला शिक्षा ये है कि पैसा है तो सब कुछ है और नहीं है तो सारी परेशानियां आपके पास है। दूसरी शिक्षा का उपयोग जो है जिंदगी के आखिरी सांस तक है, और तीसरा उपयोग जो है समस्याओं से हार नहीं मानना चाहिए। आजकल के बच्चे पता चलता है कि हमसे वो 2 रुपए आगे ज्यादा कमा रहा है तो हार करके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, घर में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन वो बाबा झगड़ा नहीं किए, रोए नहीं, जा करके कोई काम छोटा नहीं होता है, कप प्लेट धोने का काम किए, और उसमें भी जो समय मिला लोगों को कहानी सुना करके और अपने अंदर की चीजों को लोगों को बताने लगे, और जिसकी वजह से उनका और ज्यादा प्रशंसा होने लगा और दुकान का भी किस्मत चमक गया। तो ये 3 चीजें हैं कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, समस्याएं हैं निकल जाएंगी, दूसरी पढ़ाई हमेशा जरूरी है, और तीसरा पैसे को बर्बाद न करें, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो सारी परेशानियां आपके पास है। ये सही बोल रही नहीं हम, और मेरी आप लोग, आप ये हमारी भाभी हैं, हमारी माता जी हैं, आप दोनों लोग रिक्वेस्ट, आप हम जो बोलेंगे वही आप लोग बोलिएगा, आप लोग बोलिए इस वीडियो को, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ऐसा कहानी आपके पास कोई है, ऐसा कहानी आपके पास है, तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताएं।